आईपीएल का 2700 मैच राजस्थान और पंजाब के बीच खेला गया। इस मैच में राजस्थान की टीम ने टॉस जीतकर पंजाब को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाया, लेकिन राजस्थान की टीम के बॉलर ने पंजाब को शुरुआत में बैक फुट पे डाल दिया और पंजाब को बड़ा स्कोर नहीं बनाने दिया। जितेश शर्मा ने पंजाब के लिए इस मैच में 24 बॉलों में 29 रन बनाए। इसके साथ ही आशुतोष शर्मा ने एक बार फिर से पंजाब के लिए मैच फिनिश किया। आशुतोष शर्मा ने 16 गेंदों में 31 रन की पारी खेली जिसमें 3 छक्के शामिल थे और इसके चलते पंजाबी टीम ने 20 ओवर में 147 रन का टारगेट बनाया। राजस्थान के लिए आयुष खान ने 4 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट झटके और केशव महाराज ने भी 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए। आगे के मैच के बारे में बात करूं उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको एक छोटे सी वीडियो के माध्यम से ही आईपीएल के पूरे मैच की जानकारी मिल सकती है और आपको सभी आईपीएल मैचों की जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो जिससे कि आपको आईपीएल के सभी मैचों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। राजस्थान के लिए दूसरी पारी में जयसवाल और तनुष ने पारी की शुरुआत करी। जयसवाल ने इस मैच में 28 गेंदों में 29 रन की पारी खेली। जयसवाल के बाद रियान प्राग ने एक बार फिर से इस मैच में कमाल दिखाया। प्राग ने 18 गेंदों में 23 रन की एक छोटी सी पारी खेली। प्राग के आउट होने के बाद में हिटमायर ने इस मैच कमाल का फिनिश किया। हिटमायर ने 10 गेंदों में 3 छक्कों से 27 रन की पारी खेली। हिटमायर की पारी के चलते राजस्थान ने यह मैच 3 विकेट अपने नाम कर लिया। पंजाब के लिए इस मैच में रबाड़ा और सेमकर ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। हिटमायर ने इस मैच को फिनिश किया जिसके लिए हिटमायर को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर कर दें।